Welcome students, this class is for our MBA students, okay? और MBA की आपकी क्लास है, ठीक है? MBA second year, और हमारी क्लास है आपका investment analysis and portfolio management, जो हमारा subject था, ठीक है? इसमें एक बार हम देख लेते हैं, शुरू से तक हमने क्या-क्या कर लिया है, ठीक? इसमें हमारा आपका capital market हो गया है, ठीक है? Capital market में आपके securities market और non-securities market हो गए हैं, ठीक है? Securities market के आपके दो पार्ट थे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। देन नॉन सिक्योरिटी मार्केट, हमारे इसके आपके पार्ट्स थे, थ्री पार्ट्स थे, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स और इंश्योरेंस, ठीक है? इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक? नेक्स्ट बात करते हैं आपका कैपिटल और ये सब हो चुका है हमारा। देन हमने डिस्कशन कर लिया था मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, ठीक? फिर उसके बाद आते हैं, अब हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है? तो सिक्योरिटीज हमारी क्या क्या होती है, सिक्योरिटी मार्केट हमारा किस तरीके का होता है, क्या क्या हमारी कंडीशंस हैं, ठीक? किस तरीके से गवर्निंग बॉडी होती है हमारी, किस तरीके से रन किया जाता है और सिक्योरिटीज मार्केट में हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है? तो आपका डायग्राम जो समझ लेते हैं, देखिए सिक्योरिटीज मार्केट हमारी टू टाइप्स की होती है, आपकी कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है? कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के हमारे टू टाइप्स हैं, न्यू सिक्योरिटी, न्यू इश्यूज और सेकेंडरी मतलब आपका ओल्ड इश्यूज, ठीक है? सेकेंडरी इश्यूज के भी आपके टू टाइप्स होते हैं हमारे, ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है? और इन दोनों में हमारी चीजें आती है बॉन्ड्स, इक्विटीज और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ये किस तरीके से होता है आपका, ओवर द काउंटर टेक्निक के हिसाब से होता है, और इसमें भी हमारी न्यू इशू और सेकेंडरी इशू दोनों ही आते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं आपका इसकी, आपकी कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, ठीक है? कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज की कौन कौन सा हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, किस तरीके से हमारी कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज वर्क करती है, किस तरीके से हमारी कॉर्पोरेट फंड्स अराइज करती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो इसमें देख लीजिए द स्टॉक मार्केट कंपेराइजेस सेवरल डिस्टिंक्ट मार्केट एंड सिक्योरिटीज, ठीक है? स्टॉक मार्केट क्या है आपका, जो आपकी डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज है उनका एक क्या है, एक मार्केट है, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज दैट बिटवीन द मार्केट फॉर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एंड द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है? मतलब क्या है कि सबसे बड़ा अंतर यह है कि जितनी भी कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज होंगी वो सारी आपकी किससे डील होंगी, आपकी वो सारी डील होंगी आपकी स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है? और जितनी भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी वो सारी डील होंगी किससे, आपका ओवर द काउंटर डीलर से, ठीक है? कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आर इंस्ट्रूमेंट फॉर राइजिंग लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है? सीधा सा आपका फाइनेंसिंग सोर्स है, बिल्कुल। होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो क्या कर रही है, एक तरीके से इन्विटेशन दे रही है पब्लिक को अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है? और जितनी भी हमारी स्टॉक मार्केट से जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में हो रही है, हमारी सिक्योरिटीज के थ्रू हमारी कंपनी में हो रही है, वो सारी चीज आपकी किसमें आती है, आपकी लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में आती है, ठीक है? नेक्स्ट में बात करते हैं आपका, देखिए इसमें बात करिए आपकी द न्यू इशू मार्केट, ठीक है? न्यू इशू मार्केट होता क्या है, देखिए इसमें आ जाते हैं। द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द न्यू इशू मार्केट इज टू अरेंज फॉर द राइजिंग ऑफ न्यू कैपिटल बाय कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस वेदर न्यू और ओल्ड। मतलब क्या है कि न्यू इशू मार्केट एक वो प्लेस है जहां हमारी जो या तो कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई हमारी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? दोनों ही केसों में क्या कर रही है, कैपिटल राइजिंग का सबसे नया सोर्स ढूंढ रही है, ठीक है? और सबसे पहली बार उस चीज के लिए वो सबसे पहली बार अपनी कैपिटल राइजिंग के लिए पब्लिक में इशू अपने शेयर्स को कर रही है, ठीक है? द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द न्यू इशू मार्केट इज टू अरेंज फॉर द राइजिंग ऑफ न्यू कैपिटल बाय कॉर्पोरेट एंटरप्राइज वेदर न्यू और ओल्ड, ओके?
दिस इन्वॉल्व अट्रैक्टिंग न्यू इनविटेबल रिसोर्सेज इन टू द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड डियर एलोकेशन अलॉन्ग अल्टरनेटिंग यूज एंड यूजर्स बोथ वेज का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि न्यू इश्यू मार्केट में है क्या, कि कोई भी कंपनी है वो सबसे पहले कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो क्या कर रही है, फंड्स को कलेक्ट कर रही है. और फंड्स को जब पहली बार मार्केट से कलेक्ट कर दी है, पब्लिक ऑफर से कलेक्ट कर दी है, तो वो सारी चीजें हमारी किस काम की, आपकी न्यू इश्यू मार्केट. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका इसमें आपके क्या है, मैनेजिंग सक्सेसफुल फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यू इन्वॉल्व थ्री डिस्टिंक्शन सर्विसेज. मतलब क्या है, आपकी तीन सर्विसेज इंक्लूड होती है आपकी किसमें, न्यू इश्यू मार्केट में. ठीक है, फर्स्ट है हमारी ओरिजिनेशन, सेकंड है आपका अंडरराइटिंग, और थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इश्यू. ठीक है, तो द ओरिजिनेशन की हम बात करते हैं तो है क्या, द ओरिजिनेशन रिक्वायर्स केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वेबिलिटी एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट. मतलब क्या है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है कि सबसे पहले वो ये चेक करता है कि जो आप न्यू इश्यू है या न्यू प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कि हमारे पास हम पब्लिक को ऑफर करें अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सिक्योरिटीज, और पब्लिक हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए सबसे पहले वो चेक करता है कि ये वैलिड है और ये एक लॉन्ग टर्म पर कस्टमर को, जो हमारा इन्वेस्टर है, उसे प्रोटेक्ट कर सकता है या नहीं. ठीक है, तो वो आता है आपका किसमें, द ऑर्गेनाइजेशन में. द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वेबिलिटी एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स. दिस इन्वॉल्व्स टेक्निकल इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रपोजल फ्रॉम द टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एंगल, द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल नोहाउ, लैंड पावर, वाटर एंड इंजीनियरिंग इनपुट्स, लोकेशन एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट, द स्टडी ऑफ मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स. ठीक है, मतलब इस तरीके से अगर करता है, सबसे पहले तो आपकी टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग मींस, टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एंगल मींस, जो आपका प्रोडक्ट है उसमें अगर कोई टेक्निकल चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, चाहे किसी भी टेक्निकल प्रोडक्ट में आप डील करने की सोच रहे हैं, तो उस एंगल से वो थिंक करता है कि ये प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे या नहीं. दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल नोहाउ, इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं. नेक्स्ट, हाउ लैंड पावर वाटर एंड सेंशन इनपुट्स, लोकेशन एंड कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि आप किस तरीके से अपनी लैंड पावर वाटर और जो एसेंशियल सर्विसेज है वो किस तरीके से अपने पास कलेक्ट करेंगे, क्या लोकेशन होगी, मैनेजमेंट आपका कॉम्पिटेंट है या नहीं है उसके बारे में डिस्कशन, एंड फाइनेंशियल एस्टीमेट ऑफ प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड रिटर्न्स. मतलब के जो आपकी फाइनेंशियल एस्टीमेशन है, मतलब जो हम सोच रहे हैं कि हमारे पास अगर इतनी इन्वेस्टमेंट होगी और हम उसे इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारे पास उस इन्वेस्टमेंट का इतना रिटर्न आएगा जिसमें से हम इतना पोर्शन एज अ प्रॉफिट और डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उन सब के बारे में इन चीजों को कंसिडर करना और काम को आगे बढ़ाना, वो चीज आती है आपकी किसमें, कॉम्बिनेशन में. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका अंडर राइटिंग. ठीक है, अंडर राइटिंग मीन्स गारंटी. ठीक है, परचेज ऑफ अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ अ न्यू इशू एट अ फिक्स्ड प्राइस. ठीक है, जो अंडर राइटिंग होती है वो क्या होती है, एक तरीके से गारंटी होती है. गारंटी इन द सेंस कि अगर आपने अपना कोई भी सिक्योरिटी इशू किया और पब्लिक उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हुई, तो अंडर राइटिंग में क्या होगा कि जो आपके अंडर राइटर्स हैं वो आपको गारंटी देंगे कि इतने पोर्शन तक हम आपकी सिक्योरिटीज को एज अ फिक्स प्राइस हम परचेज कर लेंगे, जिससे आप अपना बिजनेस आराम से रन कर सके. ठीक है, वो चीज आती है किसमें, अंडर राइटिंग. द परचेज में भी फॉर सेल टू द पब्लिक और फॉर वन ओन पोर्टफोलियो और फॉर बोथ द पर्पसेस. ठीक है, इफ द एक्सपेक्टेड सेल्स टू द पब्लिक डज नॉट मेटरलाइज, द अंडर राइटर एब्जॉर्ब्स द अनसोल्ड स्टॉक इन इट्स ओन पोर्टफोलियो. ओके, द अंडर राइटर एज्यूम्स दिस रिस्क फॉर
कमीशन नोन एज अंडरराइटर कमीशन। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपकी सिक्योरिटीज को परचेज करने के बदले में वो जो आपसे रिटर्न लेगा, ठीक है, एज अ वारंटी टर्म, वो क्या कहलाएगा, वो जो कमीशन आपसे लेगा वो कहलाएगा आपका अंडरराइटर्स कमीशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, पहला हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो गया हमारा अंडरराइटिंग, और तीसरी की बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसमें आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मींस सेल ऑफ स्टॉक टू द पब्लिक। ठीक है, जब हमारे पास हमारी वेबिलिटी चेक हो गई, ठीक है, हमारे अंडरराइटिंग का प्रोसेस फुलफिल हो गया और हमारे पास न्यू इश्यू के लिए क्या हो गए, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, तो लास्ट में अब हमारा क्या काम बचता है कि हम किस तरीके से अपने स्टॉक को, अपने सिक्योरिटीज को पब्लिक को अलॉट करें, तो वो आता है आपका किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन सेल ऑफ स्टॉक टू द पब्लिक, जितने जितने पोर्शन के लिए, जितनी जितनी पब्लिक में जितना जितना अप्लाई किया है उतने पोर्शन के लिए वो पार्ट कंपनी के वो शेयर हम किसे दें, उस पर्टिकुलर पर्सन को अलॉट करते हैं, वो चीज आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में। द टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन द LIC एंड UPI आर सेवरल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजुअली अंडरराइट न्यू इश्यू एज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर देयर ओन पोर्टफोलियो। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे LIC है या UPI है, वो क्या करते हैं कि अगर वो नॉर्मली, तो आज तक अभी LIC या UPI ने नॉर्मली जनरल पब्लिक को कोई चीज इशू अभी तक नहीं करी। ठीक है, LIC का भी करंटली गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 25% स्टेक वो क्या करेगी, जनरल पब्लिक को ऑफर करेगी। ठीक है, पहले 10% था, अब वो सोच रहे कि 25% का उसे आगे ले जाए। ठीक है, तो वो जब टाइम आएगा तो हम देखेंगे किस तरीके से वो इशू करते हैं, क्या क्या उसके रिजल्ट निकलते हैं, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, कितना नेगेटिव पड़ता है, वो तो टाइम की बात है। लेकिन है क्या कि LIC और UPI क्या है कि एक तरीके से सारा शेयर अपने पास ही रखते हैं, तो वो क्या है, वो खुद भी ही अंडर राइटर है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी इसमें न्यू इशू मार्केट। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर थ्री मेन वेज ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशू मार्केट। ठीक है, फ्लोटिंग न्यू इशू मार्केट मतलब कि जब आप अपनी सिक्योरिटीज को नए मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो उनके भी हमारे पास क्या है, तीन मेन वेज है। ठीक है, फर्स्ट है हमारी बाय द इशू प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। ठीक है, सेकंड है आपकी बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, और थर्ड है आपका बाय द राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, प्रोस्पेक्टस मीन्स क्या होता है, प्रोस्पेक्टस का सीधा सिंपल मीन्स होता है कि हम अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कैपिटल के बारे में, अपने जो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं उनके बारे में नॉर्मल पब्लिक को बता रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आती है आपकी प्रोस्पेक्टस में। दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स कि कोई प्राइवेट फर्म है वो कितना पोर्शन अपनी इच्छा से, अपनी विश से इशू कर रही है। और तीसरा आपका आता है बाय द राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब कि कितने हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो आगे जब हम अपनी सिक्योरिटीज दोबारा से मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो कितने हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है हमारे अंदर इंटरेस्टेड है, वो सारी चीजें आपकी थी इसमें बाय द राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, देख लीजिए इसमें, देखिए द इशू ऑफ अ पब्लिक प्रोस्पेक्टस गिविंग डिटेल्स अबाउट द कंपनी इशू एंड द अंडर राइटर इज द लास्ट एक्ट इन द ड्रामा एंड इज एन ओपन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द इशू। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी कंपनी के बारे में नॉर्मल पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक है उसे अवेयर करवाना, जो इन्वेस्टर है उसे अवेयर करवाना, ठीक है, नई है पुरानी में नया अगर इशू कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना, अपने पास्ट रिजल्ट को दिखाना, ये सब चीजें वो है आपका प्रोस्पेक्टस में। देन नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है आपका, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स दैट द इशू इज नॉट ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक और सब्सक्रिप्शन, बट इज प्लेस्ड प्राइवेटली विद द बिग फाइनेंसर्स। ठीक है, जब भी कोई इशू हो रहा है तो इस तरीके से हो रहा है कि वो जनरल पब्लिक को हम इशू नहीं कर रहे। ठीक है, हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो बड़ी अमाउंट में बड़ा पोर्शन खरीद रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने मई से लेके जुलाई अगस्त तक रिलायंस जियो की डील सुनी होगी, जियो में आपका 7% फेसबुक ने खरीद लिया $50 मिलियन का, उसके बाद UAE की कंपनी है उसने खरीद लिया 1.5%। इस तरीके से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो बड़े बड़े अमाउंट के रूप में, बड़ा बड़ा बड़े बड़े फाइनेंसर जो है बड़ा बड़ा अमाउंट
किसमें, पर्टिकुलर प्राइवेट फर्म में परचेज कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर हिस्सा, ठीक है। तो वो चीज आती है आपकी किसमें, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राइट इशू। तो राइट इशू मीन्स इशू ऑफ राइट्स टू द एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ एन ओल्ड कॉर्पोरेशन टू सब्सक्राइब टू अ पार्ट और होल ऑफ द न्यू इशू इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग, ठीक है। मीन्स क्या है कि राइट इशू में क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जैसे यहाँ है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है, जल्दी देखिए, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ एन ओल्ड कॉर्पोरेशन टू सब्सक्राइब टू अ पार्ट और अ होल ऑफ द न्यू इशू इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। मीन्स क्या है कि जो नई शेयर होल्डिंग हम जो कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है उसका हो क्या रहा है, उसको जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वही उस पोर्शन को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। वो उस पोर्शन को या तो खुद सब्सक्राइब कर रहे हैं, कोई पार्ट सब्सक्राइब कर रहे हैं, या पूरा का पूरा पोर्शन ही को सब्सक्राइब कर रहे हैं जितना हमने नए इशू के लिए मार्केट में ऑफर किया है, ठीक है। तो वो चीज आ गई आपकी किसमें, न्यू इशू ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, न्यू इशू में या राइट इशू में, ठीक है। हमारे तीन थे, हम ब्रॉड में है तो हमारे तीन टाइप्स के आपके फ्लोटिंग न्यू इश्यूज थे। फर्स्ट था आपका बाय इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक, सेकंड था आपका बाय प्लेसमेंट, और थर्ड है आपका बाय द राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब तक क्या हो गया हमारा, एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले डिसीजन किया सिक्योरिटीज मार्केट हमारे टू टाइप के थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट में आपका न्यू इशू और सेकेंडरी इशू के बारे में डिसीजन किया। इस पर आ गया ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज और अपना काउंटर मार्केट, बॉन्ड इक्विटीज और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। बॉन्ड इक्विटीज और प्रेफरेंस शेयर के बारे में आप अवेयर ही, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होती है, इक्विटीज क्या होती है, इक्विटीज मतलब इक्विटी शेयर उसी के बारे में बात हो रही है, और प्रेफरेंस शेयर को आप जानते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम आगे चलेंगे, हमारा रहना है आपका स्टॉक एक्सचेंज। देखें सेकेंडरी मार्केट की हमारी बात हो रही है, तो सेकेंडरी मार्केट में आपका क्या आ गया, ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जितनी भी आपकी कंपनीज हैं वो ऑर्गेनाइज वे में क्या कर रही है, अपनी जो आपकी सिक्योरिटीज है उन्हें सेल और परचेज कर रही है, वो सारी कहानी है आपका, वो सारा पार्ट आता है किसमें, सेकेंडरी मार्केट में, और सेकेंडरी मार्केट का वो पार्ट होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज वाला, ठीक है। तो अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज में देख लेते हैं, नाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट क्या आता, फर्स्ट है इकोनॉमिक बैरोमीटर, ठीक है। इकोनॉमिक बैरोमीटर मींस आ स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, मींस कि किस तरीके से हमारी कंट्रीज में हमारी कंट्री की इकोनॉमी रन कर रही है, ठीक है, क्या क्या उसका मेजरमेंट है, किस वे से हम अपनी इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं, कितना हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है हमारी हमारे कंट्री में, कितना हमारे पास क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हमारी कंट्री में, ठीक है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उससे, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस किस सेक्टर में हम कितने इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो चीज आती है आपकी किसमें, इकोनॉमी बैरोमीटर में। सेकेंड है आपका प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स, ठीक है, जिस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है, उसी हिसाब से आपकी जो सिक्योरिटीज है, आपका जो शेयर प्राइस है वो उतना ही पॉजिटिव और नेगेटिव रन करेगा, ठीक है, और वही चीज क्या कहलाएगी आपकी प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। जितना आपका जो मार्केट में डिमांड आपके प्रोडक्ट की ज्यादा होगी उतना ही आपका शेयर प्राइस ऊपर होगा, और जितना आपका प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी उतना ही शेयर प्राइस आपका नीचे होगा, सीधा डिमांड और सप्लाई से इन्फ्लुएंस होगा आपका। नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स स्टॉक मार्केट है उसके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन से हमारे पास गवर्निंग बॉडी है सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो से रन कर रही है, ठीक है, उसने रूल्स बना रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा या आपका पैसा के लिए भाग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए आता है हमारे पास सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, आपकी सारी ट्रांजेक्शन एक सेफ और रेगुलर वे में आप कर रहे हैं, और वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, वो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड आपको करवा रहा है, प्लेटफॉर्म भी वो दे रहा है सेल और परचेज का, और आपकी ट्रांजेक्शन की जो
सिक्योरिटी है उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आपकी, स्टॉक एक्सचेंज की है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जितनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी उतना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो सीधा सा एक फैक्टर है आपका जो इंडिकेट करता है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी अच्छी है, ठीक है, किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को और अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट में इसमें देख लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज एनकरेजेस प्रोड्यूसर्स टू इन्वेस्ट इन ओनरशिप सिक्योरिटीज बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड बाय एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करवाता है, अपनी तरफ से एजुकेशनल प्रोग्राम वगैरह चलाते हैं, ठीक है, वर्सिटी करते हुए प्रोग्राम है, उसमें क्या है कि जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में जनरल पब्लिक को अवेयर करवाना, ठीक है, उन्हें बताना है किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, मींस क्या है टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज टू द स्टॉक एक्सचेंज परमिट्स हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। जितना कि आपका कॉम्पिटिशन है स्पेकुलेशन में वो सारा आपका हेल्दी रहेगा, उसके बारे में उसे किस तरीके से मैनेज करना है आपकी डिमांड एंड सप्लाई को, सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज की वो सारी किस बात है आपकी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इसमें देख लीजिए द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, मींस क्या है लिक्विडिटी मींस कि ऐसा नहीं कि अगर आपने पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आप दो साल के लिए तीन साल के लिए वहां वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप आज अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आज अपना पैसा निकाल सकते हैं, और आप 10 दिन बाद निकालना चाहते हैं तो आप 10 दिन बाद भी आप पैसा विद रिटर्न आप उसे अपने पास वापस ले सकते हैं, ठीक है। वो चीज आती है आपकी लिक्विडिटी पोर्शन में। नेक्स्ट आता है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल मींस कि आपको पता होता है द शेयर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज आर कोटेड एट हायर प्राइसेस एंड आर एक्टिवली ट्रेडेड, सो सच कंपनीज कैन इजीली राइज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ठीक है। जो कंपनीज होती है उन्हें जो नॉर्मल पब्लिक है जनरल पब्लिक है जो इन्वेस्टर है उसे पता होता है कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा रन कर सकती है, ठीक है, कितना अच्छा रन कर रही है और हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इससे आपका फायदा क्या होता है आपका कंपनीज को कि जो आपका इन्वेस्टर है वो स्पेसिफिक कंपनी में जाके अपना मनी को इन्वेस्ट करता है और जो कंपनीज होती है वो अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से ज्यादा कैपिटल राइज कर सकती है। देखिए लास्ट पॉइंट है आपका प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, मींस क्या है कि क्या कर रहा है प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मींस द स्टॉक मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज, दीज अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज एनकरेज पीपल टू सेव मोर एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर रादर देन इन्वेस्टिंग इन अनप्रोडक्टिव एसेट्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। मींस क्या है कि नॉर्मल पब्लिक को प्रमोट करता है कि आपकी जो हैबिट्स हैं जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट्स हैं वो इंप्रूव हो, ठीक है, और आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो जो टेक जो आपके ओल्ड ट्रेडिशंस हैबिट्स हैं वो थोड़ा चेंज हो जाए और आप जो नॉर्मल एफडी और आरडी पे इन्वेस्टमेंट अब तक करते जा रहे थे आप वहां इन्वेस्ट ना करके आप इस तरीके से जो स्टॉक मार्केट है उसकी जो ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग अपनी मनी को मनी की ग्रोथ करवा सकते, ठीक है। तो ये आता है आपका प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन नौ पॉइंट से आपका एक तरीके से हमने ये कवर किया हमारा स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर की बात चलेगी, ओवर द काउंटर को भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज भी हम इतना रखेंगे, ठीक, इसमें आपका आज हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट बात करेंगे आपका ओवर द काउंटर और उसके बाद और आपका इसमें न्यू इश्यू सेकेंडरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।